जितने भी पेरेंट्स हैं दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि हम अपने बच्चे की अच्छे से अच्छे परवरिश करें, अच्छे से अच्छी उसकी देखभाल करें, पेरेंटिंग करें, ताकि आगे चल के हमारा बच्चा बेस्ट हो। किस मामले में? हर मामले में बेस्ट हो। दोस्तों उसके लिए हमें भी बेस्ट होना पड़ेगा, हमें भी अपनी पेरेंटिंग को बेस्ट से बेस्ट करनी पड़ेगी, ताकि बच्चा वो सब चीज़ें अचीव कर सके जो वो चाहता है और जो हम चाहते हैं कि वो अचीव करे। तो इसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो पेरेंटिंग है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बच्चे हर तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, उनकी देखभाल करना, उनको बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको मैं आसान करने आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको 6 ऐसे बेस बताऊँगा, 6 ऐसे पिलर बताऊँगा जिस पे कि आपने अगर उसको थाम लिया, आपने अगर उसको समझ लिया, आपने अगर उसको फॉलो कर लिया, तो आपका जो पेरेंटिंग है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी और आपका बच्चा उस पेरेंटिंग को पाके बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उन 6 पिलर्स के नाम याद कर लेते हैं। बहुत आसान है, आपको 6P याद रखना है। 6P में पहला P है प्रोटेक्टिव, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है प्रोग्रेसिव, चौथा है पॉजिटिव, पांचवा है प्लेफुल और छठा है पर्पसफुल। इनके नाम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो में बताऊँगा, वो आपको जब सुनेंगे आपको तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव की। प्रोटेक्टिव का मतलब संरक्षक होता है, मतलब आपको अपने बच्चे के साथ प्रोटेक्टिव रहना है। प्रोटेक्टिव का मतलब कि बच्चे की आपको देखभाल इस तरह से करनी है कि बच्चे की इंजरी से बचा रहे, चोटों से बचा रहे और किसी तरह की जो बुरी संगत है उससे बचा रहे। आपको अपने बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट और एक्सप्लोरेशन, मतलब कि बच्चा अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ उसको लेके चलेंगे तो बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, बच्चा अपने मन से खेल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। अगर आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा कि नहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने से चोट लग जाएगी, तो आपका बच्चा ना साइकिल चला पाएगा, ना बाहर के बच्चों के साथ खेल पाएगा, ना आउटडोर एक्टिविटी कर पाएगा। और आपने अगर बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया तो रोज़ ही टूट फूट के आएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, बैलेंस ये करना है कि आपको सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, साथ में आपको बच्चों को एक्सप्लोर भी करने देना है, और साथ में आपको बच्चे की भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को भी पूरा करना, वो भी इसी में आता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पर्सनल। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। पर्सनल होने का मतलब दोस्तों ये है कि बच्चे के साथ आपको एक तो अनकंडीशनल लव दिखाना है, बिना किसी कंडीशन के, यानी कि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो भी प्यार कर रहा है, बुरा कर रहा है तो भी प्यार कर रहा है। बच्चे से ये नहीं बोलना है कि तुम ये करोगे तो मैं प्यार करूँगा, वो करोगे तो प्यार नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि बच्चे को आपको कभी भी तल्ख और चुभती हुई बातें या टॉन्ट या फिर ताने जैसी चीज़ें बच्चे को नहीं मारनी है। बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि आप उस तरह से नहीं हो, वो बच्चा बहुत अच्छा है, वो अचीव कर रहा है, आप अचीव नहीं कर रहे हो, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ये करता है, आप ये नहीं करते हो, ये सब नहीं करना है। बच्चों के साथ रहमदिल रहना है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ बच्चा ऐसी कर रहा है जो कि आपको नागवार गुजर रही है, तो ऐसे में बच्चे के साथ आप वर्बल कम्युनिकेशन करें, उससे बातें करें, उसको उसके नुकसान बताएं, वो चीज़ क्यों अच्छी नहीं है ये चीज़ समझाएं, ना कि उसको डायरेक्ट पनिश करना स्टार्ट करें, डायरेक्ट सज़ा देना स्टार्ट कर दें, ये चीज़ सही नहीं है। बच्चा अगर कोई बात नहीं मानता है या कोई ऐसी चीज़ करता है जो आपको पसंद नहीं आया, तो आपको उसका रीज़न जानना यहाँ पर ज़रूरी है, उसकी फीलिंग को समझना है कि आखिर उसने क्यों किया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का आपको कॉन्फिडेंस जीतना है, ताकि आपसे वो ऐसी बातें कर पाए जो बातें वो नहीं कहना चाहता, या फिर जो बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं। तो बच्चा वो चीज़ आपसे तभी कह पाएगा जब आप उसका कॉन्फिडेंस जीतोगे, आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहोगे। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील। इसका मतलब ये है कि आपको प्रगतिशील होना है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है। जो आप जैसे वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ये सीख रहे हैं कि आप बेस्ट पेरेंट कैसे बने, ये इसी का एग्जांपल है। कि मतलब हमें ये नहीं है कि जो हमारे पेरेंट ने जैसे हमें पाल दिया, या जो चीज़ें हम पहले से सीख के आ गए, या जैसे हम हैं वैसे ठीक है, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको खुद वो चीज़ें सीखनी है, बच्चों कैसे पालें, कैसे उसको फीड कराएं, कैसे उसको हम उसके साथ खेलें, कैसे हम उसको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। आप सीखोगे तभी आप बेटर बनोगे, आप बेटर बनोगे तभी आप अपने बच्चे को बेटर बना पाओगे। और अपने साथ साथ बच्चे में भी आपको ये चीज़ सीखनी है कि बच्चे का जो ये डेवलपमेंट है ये नॉर्मल है या नहीं है, बच्चा जो अचीव कर रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर आपने मेरी माइलस्टोन वाली वीडियो देखी होंगी तो वो भी इसी का पार्ट है, कि अगर मेरा बच्चा अभी तक चला नहीं है तो क्या ये सही है
या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, मेरा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये सब चीज़ें सीखना और उसको इम्प्लाई करना, ये प्रोग्रेसिव जो तरीका है उसी का एक एग्जाम्पल है। बच्चा आपका जो नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ें करता है, नई स्किल अचीव करता है, उस पर बच्चों को शाबाशी देना है और इनक्रेज करना है बच्चे को कि वो भी नई नई चीज़ें सीखे। जैसे कि समर वेकेशन हुआ, उसमें कोई हॉबी क्लास कर लिया, कभी स्विमिंग सीख लिया, कभी स्केटिंग सीख लिया, कभी ड्राइविंग सीख लिया, और भी इस तरह की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चों को इन्वॉल्व रखें वो, ताकि वो नई नई स्किल सीखता जाए। अगला जो कंपोनेंट है दोस्तों वो है पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपको बच्चे को वार्म दिखाना है, प्यार तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन खासकर वो तब भी जारी रखना है जब आपका मन नहीं है, यानी कि जब आपके बच्चे ने कुछ ऐसी काम कर दिया है जिससे कि आप नाराज़ हैं, तब भी आपको ऐसा नहीं कि उसको डांटना है बहुत ज़्यादा, उसको फिजिकल पनिशमेंट करना है, आपको उसको इनक्रेज करना है, वर्बल कम्युनिकेशन करना है और आपको पॉजिटिव रहना है। एक गलती पर ये नहीं सोचना है कि हाय मेरा बच्चा बिगड़ गया, हाय मैं क्या करूँ मेरा बच्चा तो बिगड़ गया, हाथ से निकल गया। दोस्तों बच्चे हैं, कभी उल्टा चलते हैं कभी सीधा चलते हैं, उस एक गलती को लेके उसको कोसना बंद करिए, उसको बुरी बातें या उसको चुभने में बातें या ताने मारना या ऐसी बातें बोलना या दूसरे से कंपेयर करना, ये सब नहीं करना है आपको। नाराज़गी दिखाना, आप कहा कि नाराज़गी दिखाइए, लेकिन जैसे ही नाराज़गी दूर हो जाए आप वापस उसको वैसे ही हक करिए, वापस वैसे ही प्यार करिए। जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो हौसला अफजाई भी ज़रूर करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे हौसला अफजाई करिए, क्योंकि बच्चा को अगर हौसला अफजाई मिलती रहती है तो बच्चा कोशिश ये करता है कि वो ऐसी चीज़ें करता रहे, ऐसी चीज़ें वो लाके दिखाता रहे आपको, ताकि उसको शाबाशी मिले। और एक काम और करिए कि कभी कंपेयर मत करिए दूसरे बच्चों से, अपने बच्चों को कंपेयर कभी मत करिए। और पाँचवा जो पी है, यानी कि पाँचवा जो कंपोनेंट है वो है प्लेफुल। प्लेफुल होने का मतलब सिंपल सा है, अपने बच्चे के साथ आपको खेलना है, अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना है, लड़का है थोड़ा बड़ा हो गया है साथ में बैट बॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, लड़की है छोटी सी है डॉल है आपकी, उसके साथ आप बैठ के गुड़ियों वाला खेल खेलिए, डॉल हाउस वाला खेल खेलिए, उसके साथ ब्लॉक्स बनाइए, छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा है तो रैटल लेके उसके साथ खेलिए। कोई हर्जा नहीं है, कोई बुराई नहीं है बच्चे के साथ बच्चा बनने में, यकीन मान के देखिए अगर बच्चे के साथ बच्चा बन गया आप तो आपका सारा स्ट्रेस, सारा तनाव, ऑफिस के सारे झगड़े, बॉस की डांट सब भूल जाएंगे, आप बच्चे के साथ इतना खुश रहने लगेंगे। जो बच्चा होता है आपके घर में वो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर होता है, उससे अच्छा स्ट्रेस बस्टर घर में कोई नहीं है, आपका डिप्रेशन नहीं होने देगा कभी। रात में सोने से पहले बच्चे के साथ स्टोरी बुक पढ़िए, लोरियाँ सुनाइए, बच्चे से बोलिए कि वो आपको लोरियाँ सुनाए, इस तरह से करके आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और बच्चे के साथ जो फ्रेंडशिप वाली जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है, बच्चा आपसे हर बात कह पाता है और वो डरता नहीं है आपसे कोई भी पर्सनल चीज़ कहने में। अगला और लास्ट कंपोनेंट जो है दोस्तों वो है पर्पसफुल होना, यानी कि उद्देश्यपूर्ण रहना। आप उद्देश्यपूर्ण नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं, उसको जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो समझा कर रखें और उसको बार बार चेंज ना करें। बच्चे को भी पता रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, अगर बार बार आप चेंज करेंगे तो उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न होगा और वो चीज़ों को रिपीट करेगा, गलत तरीके से करेगा। बच्चा अगर कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं कर रहा है तो आप उसके पीछे पर्पस जाने की कोशिश करिए कि क्या बच्चे का उद्देश्य, क्यों कर रहा है वो ऐसा, उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं तो आप उसकी वजह जानने की कोशिश करिए। सीधे पनिश करने से बेटर ये है कि आप वजह जाने कि ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो वजह जेन्युइन है तो उसको सॉल्व करिए, अगर वजह जेन्युइन नहीं है तो उसे समझाइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है अपनी देखभाल करने की। आप एज ए पेरेंट बच्चे को बहुत कुछ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, अगर आप ही हेल्दी नहीं रहे, आप ही अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे, आप ही अगर वीक रहे तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो खुद की देखभाल करनी है आपको, अपनी डाइट की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपने नरिशमेंट की, हर चीज़ की आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स जी, जो मैंने 6 कंपोनेंट बताए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इन पर डिटेल अलग अलग कंपोनेंट पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा। और पेरेंटिंग पर अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो टॉपिक ज़्यादा आप डिमांड करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपने इसके पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें कि मैंने ये बताया है कि 4 टाइप की पेरेंटिंग कौन सी होती हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि आप किस तरह के पेरेंट हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में उसको मैंने लिंक डाल रखा है या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको टाइप पता लग सके, बेस्ट टाइप कौन सा है वो मैंने उसमें बता रखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर न्यूबॉर्न डिजीज पे या चाइल्डहुड पे या चाइल्डहुड डिजीज पे या फिर माइलस्टोन देखना है या बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि रिलेटेड हैं बच्चों से, तो आप वो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियो हैं। अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए, देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।